मैं पंडित सुदामा शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा जीए की ओर से शहरवासी एवं विप्र बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परिवार की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं दीपक टवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आज रात्रि में नसीराबाद सिटी में गांधी चौक पर जो महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई थी उसको किसी ने खंडित कर दिया। अज्ञात व्यक्ति ने, इसकी सूचना मिलने पर वहाँ मौके पर पहुँचे, मौका निरीक्षण किया, मुकदमा जो छावनी बोर्ड है उसकी तरफ से दर्ज करवाया गया है। हम आसपास के CCTV फुटेज आदि देख रहे हैं कस्बे वासियों का। बारह 12:30 के बीच में किसी असामाजिक व्यक्ति द्वारा हमारे बापूजी की प्रतिमा को खंडित किया गया, इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस को मौके पर भेजा गया और इसकी जांच करवाई गई है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, उसमें कुछ पुलिस को फुटेज भी मिले हैं। इसके आधार पर पुलिस जिस भी व्यक्ति द्वारा ये कृत्य किया गया है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ने का प्रयास कर रही है। इसके संबंध में सुबह सभी प्रभुत्वगण जनप्रतिनिधिगण की एक बैठक भी रखी गई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्रातिशीघ्र जो भी इसका अभियुक्त है उसको, दोषी को पकड़े, और 5 दिन का समय पुलिस को दिया गया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, हमारे निर्देश ये हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके उसको अभियुक्त को पकड़ा जाए। और मूर्ति जो अभी खंडित हुई है बापूजी की, उस पर ये निर्णय लिया गया है कि वो उसको वर्तमान जगह से हटा करके, क्योंकि ये एरिया छावनी परिषद का है, इसलिए छावनी परिषद के उसके स्टोर में उनको सम्मान रखवा दिया जाए। और सभी के सहमति से और जल्दी से जल्दी ही नई महात्मा गांधी जी की मूर्ति वहाँ पर प्रतिस्थापित कर दी जाएगी। दिवाली की रात को किसी असामाजिक तत्व ने महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी है, उसके बारे में आज CLG की मीटिंग हुई, उसके साथ साथ ही
नसराबाद के हमारे गणमान्य व्यक्ति भी आए और ये उस मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है कि जो अपराधी है उसको 5 दिन में पकड़ लेंगे। गश्त पे जिन सिपाहियों ने लापरवाही की है उनको लाइन हाजिर करेंगे, साथ ही इंटरमेंट बोर्ड की मीटिंग है 31 तारीख को, उसमें नई मूर्ति का प्रस्ताव होगा और नई मूर्ति लगा दी जाएगी। इसमें सारे ही नगरवासी हमारे नसराबाद के लोग जो शामिल हुए हैं वो सब इसमें शामिल होके ही ये फैसला लिया गया। साथ ही ये फैसला लिया गया कि हमारे अधिकारीगण जो हैं, एसडीओ साहब, तहसीलदार जी, डिप्टी साहब और यहाँ के सीओ साहब, कि हम 5 दिन में उस अपराधी को पकड़ लेंगे। 5 दिन में अपराधी नहीं पकड़ा गया तो हम शहरवासी 6ठे दिन शहर बंद करवाएंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। ये आज हमारे नगरवासियों ने फैसला लिया है और सारे शहर वालों ने जो ये घृणित कार्य हुआ है इसकी भर्त्सना की है। उस पर जो गांधी की विचारधारा को नहीं जीता जिस व्यक्ति ने ये हमला किया है, ये मात्र गांधी जी की गर्दन नहीं तोड़ी गई है, ये नसीराबाद की और जो हमारी परंपरा संस्कृति रही है उसकी ये परिणति है। जैसा कि चेयरमैन साहब ने और आदरणीय हमारे पूर्व विधायक साहब ने बताया है, हम लोग इस विषय पे सर्वसम्मति से एक हैं और जिसने भी ये घृणित कार्य किया है पहले तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और प्रशासन ने हमसे समय मांगा है नई मूर्ति का, उसके अलावा जो दोषी है उसको शीघ्र पकड़ा जाएगा और जो जिम्मेवार कर्मचारी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी उन सब के लिए उनको 2 तारीख तक का समय दिया गया है। हम चाहते हैं कि शीघ्र इस व्यक्ति को पकड़ा जाए ताकि जो गांधी की विचारधारा पे हमला हुआ है, इस देश की आत्मा पे जो हमला हुआ है, उस व्यक्ति को समझ आए और समाज में एक मैसेज जाए कि समाज इस प्रकार के समाज कंटकों को बर्दाश्त नहीं करेगा।